आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर में जगह जगह गंगा जल पाइपलाइन की बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई महीनों तक पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढों को नहीं भरा गया है। ऐसा ही मामला हनुमान नगर और नाथ का बाग में देखने को मिला है। शहर में चल रही गंगाजल पाइपलाइन के कार्य के चलते लोगों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला हनुमान नगर व नाथ के बाग में देखने को मिला, जहां कई महीनों से सड़क बदहाल की स्थिति में है। आलम यह है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी क्षेत्र की सड़कों पर आए दिन वाहनों का फंसने का सिलसिला जारी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। गाड़ी साइड में लेकर आ रहा तो मट्टी दबी हुई है, बारिश के चक्कर में आके वो गाड़ी धस गई दोनों टायर। पहले क्या पाइपलाइन डली थी? हाँ, पहले पाइपलाइन गंगा जल की पाइपलाइन डली थी। इससे पहले भी गाड़ी फंसी? इससे पहले भी यहाँ फंसी थी एक दो बार। किसी को शिकायत करी यहाँ पर? किसी को नहीं करी, उससे कही थी जो पाइपलाइन डल के गया था गंगा जल की, वो जो कह रहे थे भैया हम करा देंगे, तो जेसीबी लाके उस दिन आया भी था, मगर उस मट्टी को दफना के मट्टी करा के नहीं गया और साइड में कर गया मट्टी को पूरी को। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। आए दिन लोग यहां चोटिल होते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में मॉनसून ने अगर एक बार और करवट बदली तो सड़कों के हालात और भी बुरे हो सकते हैं। देखिए, इसकी कंप्लेंट तो हमने 2-3 बार करी है और ये है, लेकिन काम पूरा होता नहीं है। तभी ये वजह है कि रोज गाड़ियां फंसती हैं और यही डर लगा रहता है कि ये तो बड़ी गाड़ी है तो रुक गई, कोई छोटी गाड़ी अगर गिर गई तो कुछ भी हो सकता है, किसी का सर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंप्लेंट करेगी, हाँ कई लोग बचे हैं, ये तो हम लोगों ने बचाया है लोगों को कि भाई ये रोड ऐसा हो रहा है, कभी कहीं कोई डिसबैलेंस हो जाता है तो कईयों को बचाया है। तो यही है कि रिक्वेस्ट बहुत बार करी है, कंप्लेंट करी है, लेकिन आधा अधूरा काम करके छोड़ जाते हैं, तभी ये हादसे होते हैं। देखिए, बरसातों का अभी तो जो 2 दिन पहले बरसात आई थी उसमें आपने देखा होगा शायद कि इतनी गाड़ियां हम लोगों ने निकाली हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले हुई बारिश के चलते यहां के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। आलम यह था कि पूरी सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही थी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति सड़क से निकलने की कोशिश करता तो या तो वह चोटिल हो जाता या कीचड़ में फिसल जाता। हालांकि बरसात के बाद सड़कों में गहरे गड्ढे देखने को मिले, जिससे वाहनों का फंसना लाजमी था। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।